वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि फ्री हैंड स्केचिंग कैसे करते हैं, और मैं आज जो एग्जाम हुआ है अभी ITI का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। फ्री हैंड स्केचिंग में आपको आया था बालपिन हैमर, तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा अपने इस वीडियो में। मैं यहाँ पे बालपिन हैमर बना के आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जो आया था डबल इंडेड स्पैनर करके भी एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल आया था, और एक आइसोमेट बनाने को आया था, और एक प्रोजेक्शन, यही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बालपिन हैमर बनाता हूँ, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बालपिन हैमर की हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो देखिये बालपिन हैमर के लिए क्या होता है, सबसे पहले नीचे का हिस्सा बनाते हैं, यानी फेस को हम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका फेस, ये जो है आपका हो गया फेस, और इसके ऊपर जो है आपको बनाना है हैमर। तो ये जो है ये ऐसे करके बालपिन हैमर की हम बात करें, तो ये बालपिन हैमर इस तरीके से बन के होता है। ये आपका हो गया, और यहां से ये जो है आपका ये ऊपर का हिस्सा हो गया, यानी ये हो गया बाल, और ये इसका हो गया आई होल, और ये फेस बन के तैयार हो गया। और यहां से इसके हैंडल की हम बात करें, तो ये इसका हो गया हैंडल, तो आपका ये बालपिन हैमर तैयार हो गया। ठीक है, ये जो हो गया ये हो गया बालपिन हैमर, ये जो है आपका हो गया बालपिन हैमर, जो कि फ्री हैंड स्केचिंग में इस तरीके से बन के तैयार होता है। और ये हो गया इसका आई होल, और ये यहां से इसका ये हो गया फेस, और ये हो गया इसका बाल पिन, ये हो गया बाल पिन, और ये हो गया फेस, और ये हो गया हैंडल, और ये है आई होल। तो ये आपका बाल पिन हैमर बन के तैयार हो गया। इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका बालपिन हैमर बन के तैयार हो गया। फिर बात करते हैं हम, बालपिन हैमर ये बन गया, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब जो है डबल इंडेड स्पैनर की। तो डबल इंडेड स्पैनर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको इस तरीके का शेप बनाना होता है, ये जो हो गया ये ऐसे थोड़ा सा ये, और सेम इसके अपोजिट में ये वाले हिस्से को ऐसे ऊपर करके, फिर ये नीचे, फिर ये, और इसको इस तरीके से मिला देना होता है। तो आपका स्पैनर बन के देखिए कैसे तैयार हो जाएगा, डबल इंडेड स्पैनर की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका बन के तैयार हो गया, ये डबल इंडेड स्पैनर, यही तो होता है डबल इंडेड स्पैनर। ये देखिए आपका फ्री हैंड स्केचिंग बन गया डबल इंडेड स्पैनर, जिसका यूज जो हम नट और बोल्ट को कसने और खोलने के लिए करते हैं। तो ये आपका हो गया डबल इंडेड स्पैनर, यहाँ पे इसका नाम वगैरह जो भी है वो लिखा रहता है। डबल इंडेड स्पैनर आपका ये बन के तैयार हो गया, जिसमें हम नट को खोलते और कसते हैं। तो ये हो गया फ्री हैंड स्केचिंग, डबल इंडेड स्पैनर आपका ये हो गया, और ये हो गया बालपिन हैमर। फिर आया था हमें जो अगला क्वेश्चन आया था, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल बनाने को आया था। तो फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल, उसका सिंबल कैसे बनता है ये हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेट लाइन, और वो डॉट लाइन सॉरी सेंटर लाइन खींचेंगे आप, जिसमें मैं बताऊंगा अभी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल कैसे बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक दूरी लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है, सपोज मान लीजिए 10 mm है, तो 10 में बनाएंगे तो ये 10 10 20 का हो जाएगा। तो यहां से मैं लेता हूं, तो ये हो गया 10 का, एक 10 त्रिज्या है, तो पूरा डायमीटर जो है ये 20 का हो जाएगा। मैं यहां पे रखा था इसको, और ये सर्किल बन गया। ठीक, सेम सर्किल एक इधर भी मैं बनाता हूं, क्योंकि एक ही साथ हम दोनों बनाएंगे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों बता दूंगा मैं आपको, आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या होता है फर्स्ट एंगल और क्या होता है थर्ड एंगल। ठीक, उसके बाद यहाँ से जो है हमने ये 10 लिया है, तो अब 20 लेंगे, तो 20 मतलब इसको और खोलेंगे, मान लीजिए ये 20 पे हमें सेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, ये हो गया 20। ठीक है, तो इसके बाद मैं इस चीज को यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये 20 त्रिज्या लेकर के, यानी 40 का ये हो गया हमारा फाई, यानी 40 का ये बन गया गोल, और वो था 20 का, और यहां से फिर मैं उतने ही दूरी पे लेता हूँ,
तो हमारे पास ये बनके तैयार हो गया। ठीक, अब बात करते हैं बीच में जो बनेगा वो क्या होता है। तो वो देखिए, जो छोटा वाला डिस्टेंस है, ये जो छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये सेंटर से ये सेंटर जो है यहाँ से मैं लेना शुरू करता हूँ, और ये जो है छोटा वाला डिस्टेंस के 1.25 गुना होता है। तो ये 10 10 20 का है, तो यहाँ से 10 20 से 25 के बीच में मैं यहाँ से लेना शुरू करता हूँ, और यहाँ से मैं ये लेता हूँ कितना, 10 20, ये पूरा ये 20 है ना, तो ये 10 20 30 40 में इस चीज को यहां तक लेता हूँ। ठीक है, ये हिस्सा हो गया, और यहाँ पे मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ छोटा वाला होगा, यहाँ जो होगा वो छोटा वाला होगा, यानी 10 10 20, यानी ये डिस्टेंस हो गया 20 का, और यहाँ पे हो जाएगा 40 का, 20 इधर, 10 और 10 20 इधर और 20 इधर। ठीक है, और इस चीज को हम मिला देंगे। जब हम इसको मिलाते हैं तो ये ऐसे मिल जाता है, इसको मिला देंगे तो ये इस तरीके से मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डिस्टेंस की, ये और अंदर वाला ये फाई जो है, ये तो ये जो है इसका भी होगा कुछ, तो ये जो है इसके फाई की हम बात करें तो ये 20 फाई का है, यानी फाई 20 है, और ये जो है ये है फाई 40। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल सिंबल की हम बात करें तो ये जो है इस चीज को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा थर्ड एंगल। थर्ड एंगल की हम बात करें तो मैं आपको ऐसे सर्किल करके बना देता हूं, ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा आपका थर्ड एंगल। ठीक है, ये जो पूरा बॉक्स बना है अभी ये जो है थर्ड एंगल का है, ये है 1 2 3 थर्ड एंगल, ANGLE, ये हो गया थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल में बनाना होता तो आप ये काम करके, ये एक साथ नहीं बनाएंगे, आप ये चीजें पहले बनाएंगे तो ये हो जाएगा थर्ड एंगल। अब फर्स्ट एंगल बनाना होगा तो इसी चीज को आप ये पहले गोला वाला बना के यहाँ और इसके इस साइड बना होगा, थर्ड एंगल में ये गोला पहले होगा और ये वाली चीजें बाद में होंगे। फर्स्ट ये है थर्ड एंगल, और फर्स्ट एंगल में क्या होगा कि गोला जो है ये बाद में होगा और ये पहले होगा और ये भी उल्टा होगा, यानी ये जो है ये अब हो गया फर्स्ट एंगल, ये हिस्सा जो है ये फर्स्ट एंगल का है, ये जो है अब ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये जो है ये हिस्सा आपका हो गया फर्स्ट एंगल का, ये जो बॉक्स बना है ना अभी, ये वाला जो बॉक्स बना है दूसरा, ये है फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल। ठीक, इसमें भी सेम वही डिस्टेंस पे मैंने बनाया था, ये सेंटर लाइन अभी बाकी है, सेंटर लाइन देना बाकी था तो ये सेंटर लाइन दे दो आपका, और इसमें भी आप सेंटर लाइन दे दो, ये हो गया थर्ड एंगल का और ये हो गया फर्स्ट एंगल का। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।